आज काफी दिनों बाद बन रहा है हमारा ये ओट्स वाला चीला। इसमें मैंने प्याज टमाटर डाल दिया है और थोड़ा सा अजवाइन डाला है, नमक और हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड की है। और अभी हम इसको बनाएंगे और नदर के लिए बनाएंगे। यमी यमी, नदर को बहुत ही अच्छे लगते हैं। नदर खाने तो सी हैं, खाने तो सी, जोर ना बोलो, खाने तो सी। ओके, तुसे सिंपल ही खाने के सॉस नाल खाने, सॉस नाल खाने। ओके, नदर अच्छा बनिया नदर। डू यू लाइक इट? डू यू लाइक इट, यस और नो? बोलो यस मम्मा, बोलो। गालो 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 गालो। खा लीदा हुंदा ना, इन्हूं इन्नी देर थोड़ा रखी दा। खा लो, खा के फिनिश कर दो। शुक्र हो जाए। खा लो, इन्हों ने तो मैं खा लेने। फिर आ जाओ, खा लो। मदर मैं नहीं खाती, मैं नहीं खाती। मम्मा मैं सुख के आया, मैं आ गया, मैं गेम टूट गया। गेस अच्छा होंगा आप पे अपन, ऐसा नहीं है तो पूरा मुंह पाक के खाई था। मम्मा खाते हैं। खालो खालो, सारा खालो, फिर और कहीं मिलूंगा। छेती खा लेना, हाथ से नहीं, अंदर रखी तो गंदे होंगे हैं। कभी किधर लगे होंगे, कभी किधर लगे होंगे हैं। हिल जाने। हिली दाने बुते, हिली दाने ये था, हिली दाने। बड़े खाने नहीं, तो के खाने हैं, बॉस करके खाने हैं। उन्हें वॉश करके खाने, इन्हें ऐसा नहीं खाना, थले सुटे ना तो गंदे हो गए हो। वॉश करना उन्होंने, फिर खाना। ओके, पहले ऑरेंज खा लो, मैं बाद में वॉश करके दिनी है। ऐसा थोड़ा वॉश होने, पानी भी चाहिए। मैं आप पे करूंगी अंदर जाके, हूँ मैं बैठी हूँ, बाद में उठूंगी मैं, फिर तो धुंदी हूँ वॉश करके। ओके, छुट्टी तो नहीं ना होंगे, मैं ताही तो ऑरेंज आप खाते भी, तो मस्ती मार दे। बोल भी दो, बोलो बाय एवरीवन, बोलो पहला, बोलो बोलो। ओ देख फिर की कर दबे अनदर, बोलो बाय एवरीवन।
ਵਈ ਇੱਕ ਹੀ ਦੀ ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪਾ ਨਿਊ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਚਲੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਲੈਂਦਾ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਕਰੀਮ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੰਮਾ ਨਹੀਂ ਨੀਨੀ ਕਰ ਇਟਸ ਮਮਾਸ ਟਾਈਮ ਨੀਨੀ ਨੀਨੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਮੈਂ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਰੋਟੀ ਹੋਰ यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ फॉक्सटेल का रोज़ टोनर। अगर आपने मेरे पुराने ब्लॉग्स देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि मैंने अमेज़ोन से जो अपना स्किन केयर ऑर्डर किया था उसी में आया था ये बहुत ही अच्छा है। इससे आपकी जो स्किन है वो काफ़ी फ्रेश फील करती है। तो सबसे पहले हम टोनर अप्लाई करेंगे, उसके बाद सीरम अप्लाई करेंगे, उसके बाद मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, जो भी आपका फिर आपने जो अप्लाई करना हो आप कर सकते हो, लेकिन मैं तो सिर्फ मॉइस्चराइज़र तक ही अप्लाई करती हूँ। सनस्क्रीन अभी नहीं अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि अभी मैंने बाहर तो कहीं जाना नहीं होता है, धूप में ज़्यादा मैं निकलती नहीं हूँ। अभी जब दिन पूरा ढल जाता है इवनिंग में ही हम लोग बाहर जाते हैं, पर आगे समर्स आने वाली हैं तो फिर वो भी अप्लाई करनी है। तो वो मैंने कौन सी मंगवाई है अगर आपने देखी होगी पुराने ब्लॉग्स में तो आपको पता होगा, वरना आप अपकमिंग ब्लॉग्स देखते रहिए तो आपको पता चल जाएगा मैं कौन सा जो सनस्क्रीन मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ मैं डी कंस्ट्रक्ट का ये वाटर बेस है सीरम, काफ़ी अच्छा है ये, काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। एक्चुअली ये मुझे रिव्यू के लिए आया था, वैसे मैं लैक्मे का यूज़ करती हूँ पर इसका भी मुझे जो अच्छा लगा ये भी वाटर बेस है इसका, बिल्कुल ही लिक्विड सी है इसकी कंसिस्टेंसी, तो काफ़ी अच्छा है ये। और नेक्स्ट अब मैं यूज़ करूँगी मॉइस्चराइज़र, वो मैं अभी फॉक्सटेल का ही यूज़ कर रही हूँ, ये मेरी स्किन पे अभी बेस्ट जा रहा है तो इसी को ही मैं अप्लाई कर रही हूँ। नदर ने जाना है ऑफिस, नदर डालेगा ये वाला ब्लेजर, नदर ने जाना है ऑफिस इसलिए नदर ब्लेजर डाल के ऑफिस जाएगा। हाँ जी जाना तो ऑफिस, चलो ओपन करो, चलो 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 चलो। ओ देखो ओ देखो, गो गो और लंच किया हमने दाल के साथ, और ये अचार है गाजर मूली वाला, इसके पापा लंच कर चुके हैं नदर भी, और साथ में मैंने ये सेव ली है, आपने देखा होगा मैं राजस्थानी वेडिंग में गई थी वहाँ पे वो ऐसे दे रहे थे साथ में, तो ये हमारे पास थी सेम, बहुत ही मिर्ची वाली थी, ऐसे तो नॉर्मल खाई नहीं जा रही थी ये, तो मैंने इसके साथ ले ली। और जैसे कि मेरा आजकल बाद में गुड़ खाने का बहुत ही मन करता है तो मैंने सोचा आज क्यों ना चूरी बनाई जाए, तो एक फुल्का लिया है उसमें मैंने
गुड़ को डाला है थोड़ा सा क्रश करके, और ऊपर से देसी घी ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से इसकी चूरी बना ली है, मैश कर लिया है, और अभी मैं और नज़र इसको एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी लगती है ये खाने में, और मक्की की रोटी हो उसकी तो बहुत ही यम्मी बनती है। किसी दिन वो भी बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। पर अगर ऐसे भी आप बनाओगे ना, बहुत ही अच्छी बनती है ये, और हम पंजाबी में इसे चूरी बोलते हैं, गुड़ वाली चूरी की, और शक्कर वाली चूरी, शक्कर की भी बहुत बेस्ट बनती है। आपके पास शक्कर ना हो तो आप गुड़ यूज़ कर लीजिए, अगर शक्कर हो तो आप वही यूज़ कीजिए। ब्रेकफास्ट हम माँ बेटे ने कर लिया था, और अभी मैं कपड़े सेट कर रही थी। बाहर कुछ कपड़े पड़े थे कल जो सुखाने के लिए डाले थे, तो नज़र के पापा ने रात को उठा के ऐसे डाइनिंग टेबल पर ही रख दिए। और आजकल हमें ऐसे ना डोर पे टावल रखना पड़ता है, जब कोई भी कपड़ा रखना पड़ता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि नज़र कभी भी अंदर से लॉक कर देता है, अगर मैं बाहर जाती हूँ तो वो अंदर से लॉक कर देता है, तो इसीलिए हमें ऊपर टावल रखना ही पड़ता है। जो रूम्स हैं उनके भी डोर पे मैं ऐसे रखती हूँ कि कभी वो अंदर से लॉक कर ले तो फिर मैं कहीं बाहर ही ना रह जाऊँ, और उससे फिर लॉक ओपन नहीं होगा। कर तो लेता है ओपन वो, पर कई बार वो दूसरी कुंडियों वाले भी नीचे लगे हुए हैं, वो कुंडी अगर अटक गई तो फिर बाद में उससे खुलेगी नहीं, तो फिर वो अंदर ही रोता रहेगा और मैं बाहर परेशान होंगी। तो इसीलिए हम कभी भी जो डोर है उनको बिना किसी भी क्लॉथ के नहीं रखते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो टावल है ना वो ही अपने इसके ऊपर हैंग कर देती हूँ। एक नदर का है, एक उसके पापा का, और एक मेरा। ये तीनों जो टावल है वो डोर के ऊपर ही रहते हैं हमेशा, क्योंकि कोई भी ऐसी मिस हैपनिंग हो तो उससे बच सकते हैं। और मैंने यहाँ पे निकाला था देसी घी, जैसे कि मैं यूजली निकालती हूँ मलाई से। अगर आपने मेरे पुराने ब्लॉग्स देखे होंगे तो एक मैंने वीडियो देखी थी जिसमें वो बता रहे थे कि जो उसका जो बचता है ना पानी, उसमें आप विनेगर डाल के ऐसे आप ये पनीर बना सकते हो। मैंने ट्राई किया, पर सच मानिए ये पनीर तो नहीं बनता, ऐसे वेस्ट सी होती है। मैंने खाकर भी देखा, पनीर जैसा तो इसका बिल्कुल भी टेक्सचर नहीं है। मैं तो जैसे आगे भी पानी डिस्कार्ड करती थी, डिस्कार्ड ही करने वाली हूँ। एक बार मैंने ट्राई किया है, अपना रिव्यू ऐड कर रही हूँ आपके साथ। अगर किसी को अच्छा लगता है तो वो बना सकता है, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और यहाँ पे ये कपड़े हमारे धुल गए थे, अब इनको हम बाहर डालेंगे और धूप में सुखाएंगे इनको। आज धूप थोड़ी हल्की ठंडी है। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ जल्द ही आपको एक न्यू ब्लॉग के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्प्रेड पॉजिटिविटी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी पुराने वाले ब्लॉग्स नहीं हैं देखे हैं, जाके उनको जाके देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।